भाई गरीब लोग दब जाता है और अमीर लोग ऊपर भागते जा रहा है, तो गरीबी लोग तो अपने अप खुद से खुद मरते हैं ना भाई, और अमीर को जिलाते हैं। क्या करने का काम, खुद का बिजनेस खोल लो यार, 10 रुपया लो, 10 रुपया से भाई 20 रुपया बनेगा, 20 रुपया से 40 रुपया बनेगा, और अमीर लोग तो यही करता है ना। हेलो एवरीवन दोस्तों, तो फिर से एक नई ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लगा बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नई नई ब्लॉग वीडियो आप लोग का तुरंत पहुंच रहे। तो आज की ब्लॉगिंग बहुत ही मस्त होना दोस्तों, बहुत ही बेस्ट होना, बहुत ही पावरफुल होने लगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हो, आप लोग बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही मस्त हो, बहुत ही स्वस्थ होगी, और आप लोग की बदौलत से मैं भी बहुत ही मस्त हूँ दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से लास्ट तक देना, चूंकि भाई इसकी मत कीजिएगा, ये वीडियो में इतना मजा आने वाला है। और भाई ये वीडियो जो कि अमीर और गरीब लोगों के बारे में अभी चलेगा ये वीडियो, जो कि भाई आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। आप वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, आप दोस्तों के पास तुरंत शेयर कीजिएगा। चलो चलो दोस्तों, थोड़ा टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों गरीब और अमीर में फर्क क्या है आप लोग को मैं बताता हूँ दोस्तों। तो गरीब में यह फर्क है, जो कि भाई गरीब लोग जब कहीं पर भी जाता है बाहर या कहीं पर भी परदेश कमाने के लिए, तो दोस्तों क्या होता है, जब उसको टाइम बताया जाता है, जब किसी के मालिक में जाता है काम करने के लिए, तो उसको बताया जाता है कि 6 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक काम करना है, 12 से 12 घंटा ड्यूटी करवाता है। और उसके बाद भाई फर्क है क्या भाई, गरीब को क्या मिला है भाई, कुछ नहीं मिला है। जो कि भाई धनी को क्या है, जो अमीर को, जो कि भाई अमीर, भाई अमीर है जो अमीर और बनेगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। गरीब को भाई कमाते 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 भाई वो जिंदगी उसका इसी में नष्ट हो जाए, इसलिए भाई कुछ नहीं वो कर पाता ही। और गरीब को मैं टैक्स के बारे में बताता भाई, जब गवर्नमेंट जब टैक्स GST जब उसको जोड़ा, टैक्स कितने परसेंट भरना है, तो भाई गरीब को सिर्फ भाई भरना है भाई 80%। गरीब 80% भर भर के मर जाए, बट धनी के लोग सिर्फ 20% भरे। इतना कमाने के बाद भी भाई अमीर लोग सिर्फ 20% क्यों भरा जाता है, भरने का कोई भाई, ये सबसे बेकार चीज है। और एक 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 आदमी ने जब सरकार से ये बात के कहा, तो भाई सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो भाई गरीब और अमीर में इतना ही फर्क है, क्योंकि भाई गरीब लोग कमाते कमाते मर जाए, बट धनी लोग कुछ नहीं भाई, और वो बढ़िया से अमीर होते जाएगा। और आप लोग कुछ बात उठाते नहीं हो, आवाज उठाते नहीं हो, सिर्फ जाते हो कहीं पर, देखते हो कि भाई ये भोजपुरी सॉन्ग है, भाई ये वीडियो है, चलो भाई देख लेते हैं वीडियो, और चलो गाना तो सुन लिया, और ये वीडियो क्या है नहीं है छोड़ो हटाओ। तो दोस्तों आप लोग भी गरीब हो गए, मिडिल फैमिली से हो गए भाई, आप लोग आवाज उठाइए सरकार के पास कि भाई ऐसा ना करे, क्योंकि भाई गरीब लोग को 80% GST भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, और अमीर लोग सिर्फ 20% क्यों भरता है, वो इसलिए भरते हैं भाई गरीब लोग, जो कि भाई 12 से सिर्फ उसको इतना ही फर्क आया है, जो कि भाई पहले करता था 10 घंटा, उसके बाद अभी कर रहा है, पहले करता था लगभग 12 घंटा, अब कर रहा है भाई 10 घंटा, तो 2 ही घंटा का आदि फर्क हुआ। और अमीर लोग भाई जैसे घर में पाँव में तेल लगाएगा, सो जाएगा और कॉल करेगा भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, तो गरीब लोग भाई हर हमेशा मरता ही रहेगा, और धनिक लोग भाई और ऊपर जाएगा। तो इसलिए भाई बोलते हैं कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भाई ये वीडियो हम इसलिए लाए हैं, क्योंकि भाई मेरा गरीब लोग जो मिडिल फैमिली से है वो समझ सके, अब उसके साथ क्यों ऐसा घटना घटित होता है, जो कि भाई गरीब के साथ हर हमेशा घटना होता है, अमीर लोग के साथ कुछ नहीं होता है। जो भाई अमीर लोग को भाई कोई पकड़ भी ले तो वो भाई मैनेज कर लेता है जाकर के, और गरीब लोग को अगर कोई लुचाला फंगा पकड़ लेगा ना, तो उसको भाई उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा भाई, सब तो टैक्स भर दिया रहता है, तो क्या वो अपना मैनेज करेगा, अपना खुद का बचावा करेगा। गरीब भाई जितना भी मेरे गरीब भाई हो और मिडिल फैमिली से हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भाई ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मेरा गरीब भाई लोग समझ सके। और आप लोग ये गलत कोई भी बोलता है गलत, तो भाई उसके ऊपर मत जाइए, अपना काम पर फोकस कीजिए, कहीं पर भी जाते हो तो भाई अपना काम पर फोकस कीजिए, और बढ़िया बनने की कोशिश करें, जो कि भाई अमीर लोग से भी बढ़िया बने,
अमीर है, अमीर सिर्फ नाम के लिए होता है, काम के लिए कुछ नहीं होता। हम तो देखे भाई गरीबों लोग बढ़िया होते हैं जो भाई खुशी खुशी से भाई दो पैसा कमाता है, दो पैसा से खाता है भाई। अमीर लोग भाई डर डर के जीता है, डर डर के जीता है जो भाई हमको कोई कुछ कर ना दिए तो भाई ऐसा पैसा रख करके क्या फायदा भाई। धनी अमीर लोग से भाई रिक्वेस्ट है और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि गरीब लोग को आप लोग क्या बोलते हैं मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाए, और जो भाई शिक्षित दीजिए उस सबका, जो कि भाई गरीब लोग अभी अभी भी बहुत गरीब हैं, क्योंकि मैं भी हूँ और मेरा भाई लोग भी हो हैं। तो आप लोग अगर वीडियो में समझ गए हो तो ज़रूर एक बार माइंड में सेट करना, ठीक भाई। आपका भाई हर हमेशा वीडियोज लेकर के आता है बट वीडियो में सपोर्ट नहीं मिलता है, इसीलिए भाई गरीब लोग दब जाता है और अमीर लोग ऊपर भागते जा रहा है। तो गरीबे लोग तो अपने आप खुद से खुद मरते हैं ना भाई, और अमीर को जिलाते हैं। क्या करने का काम, खुद का बिजनेस खोल लो यार। 10 रुपया लो, 10 रुपया से भाई 20 रुपया बनेगा, 20 रुपया से 40 रुपया बनेगा, और अमीर लोग तो यही करता है ना। वो सब क्या करता है, यही करता है, किसी की तनख्वाह में से 10,000 रुपया महीना देता है और उसके बाद भाई 10,000 में से 2,000 रुपया काट लिया, 2,000 का भाई उसमें कोई बिजनेस में लगा दिया, 2,000 का बन गया 4,000, 4,000 का बन गया 8,000 रुपया। तो सोचो भाई वो कितना बंदा से कमीशन काटता होगा और कितना पैसा बनाता होगा। गरीब जो काम करने के लिए जाता है भाई, हाँ भाई मेरा हिसाब हुआ कि नहीं हुआ, वो सिर्फ हिसाब लेगा, सिगरेट पिएगा और गुटखा खाएगा चल देगा। इसलिए भाई बोलते हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद कुछ आगे करने का सोचो भाई। ये घूमने से बढ़िया है कुछ कर लो, क्योंकि भाई अपना बिजनेस खुद का खोलो। जो भी बाहर में है भाई, बिहार का, जो भी बिहार का कमेंट जरूर करे, मैं भी बिहारी का हूँ। सबसे ज़्यादा मजदूर जाता है कहाँ का, बिहारी का जाता है, जो कि भाई बिहार में बेरोजगार मरता है इसलिए दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। अगर अपना बिहार में अगर स्टेट रहता तो भाई दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़ता। तो ये लोग के ये बात कौन उठाएगा भाई, ये आवाज़ कौन उठाएगा, हम उठाएंगे। हमारा सिर्फ अकेले कहने से हो जाएगा, और आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा तब तो हम भी कोई बात उठाएंगे। तो इसलिए भाई बोलते हैं कि हमारे साथ आप लोग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा दावा है कि भाई आप लोग को जरूर मिलेगा, आप लोग को जरूर ये फल मिलेगा, जो कि भाई जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। हमको कहने से नहीं हो जाता है भाई, सरकार से आप लोग भी रिक्वेस्ट करो, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जितना 12 घंटा ड्यूटी रहा है 12 घंटा ड्यूटी न कर भाई, सिर्फ 8 घंटा 9 घंटा 8 घंटा 7 घंटा कर भाई, और बढ़िया से तनख्वाह दे। नहीं तो जितना भी हारी है मेरा भाई, अपना अपना गाँव आ जाओ और खुद का बिजनेस को भाई किसानी करो। तो दोस्तों आई होप मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, और हमसे कोई गलती बुलाया है तो हमें क्षमा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो